लेट स्टार्ट। हम पहले इसके भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी कविता घर की याद, इसके हम 6 पद्यांश हम पढ़ चुके थे। जो कवि है उसका भोगाया हुआ यथार्थ है, वो वनवास भोग रहा है, वो जेल में कारावास में है। बारिश हो रही है, उसे बरसती हुई बारिश में अपने घर की उसे याद आ रही है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि अपने अपने हिस्से का वनवास हम सब भोग रहे हैं। हम घर में रहते हुए भी अपने हिस्से का वनवास हम भोग रहे हैं, और सबकी जिंदगी की अपनी नियति होती है। तो ये जो कविता है ये उसे, ये जरूरी नहीं है कि राम ने ही वनवास भोगा था, नहीं। हर युग में एक राम होता है, हर मन में एक राम होता है, और उसका अपना क्या होता है, उसका अपना वनवास होता है। यहाँ पर जो कविता है, 6 पद्यांश हम पढ़ चुके थे, अब बाकी के पद्यांश। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। अब कवि कह रहा है कि पिताजी जो बूढ़े हो गए, पर कभी उन्हें देख के लगा नहीं कि वो बूढ़े हुए। देखिए, बुढ़ापा महज एक मनोवृत्ति है। कई ऐसे लोग होते हैं 80-90 साल की उम्र में बहुत ही एक्टिव होते हैं। उम्र एक मनोवृत्ति होती है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम सोचते क्या है। किसी व्यक्ति ने अपने आप को बूढ़ा मान लिया तो 30 साल की उम्र में ही बूढ़ा हो गया, और 100 साल के एक व्यक्ति ने यदि अपने आप को बूढ़ा नहीं माना और एक्टिव रहा तो वो तब भी बूढ़ा नहीं है। व्यक्ति अपने विचारों से बूढ़ा, जवान या बच्चा होता है। यहाँ पर कवि कह रहा है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जिन्हें पता ही नहीं कि बुढ़ापा क्या होता है, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। क्यों? क्योंकि वो अभी भी ऐसे थे कि दौड़ जाए, गति थी पैरों में, अभी भी वो खिलखिलाकर हंसते की हिम्मत रखते थे। बड़ी बातें, बूढ़े लोगों के चेहरे पर ही अक्सर मृदांगी की झलक आनी शुरू हो जाती है। कई ऐसे बूढ़े लोगों को देखा है, वो तो जैसे ही शरीर चल रहा है, बाकी तो कब के मर चुके हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके चेहरे की वो मुर्दानगी बता रही कि उनके अंदर वो जीने की जो ललक होनी चाहिए थी, जो जिज्ञासा होनी चाहिए थी, वो क्या हो गई? खत्म हो गई। कवि कह रहा है कि जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, जो अभी भी हंसते की हिम्मत रखते थे, जो बिल्कुल मृत्यु के दरवाजे पर आके खड़ा है, या जिसके दहलीज पर घर के बाहर मौत खटखटा रही है, और फिर भी वो व्यक्ति यदि हंसती की हिम्मत रखता है, खिलखिलाने की हिम्मत रखता है, तो वो व्यक्ति कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता है। आगे देखिए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल लरजता। अब पिताजी की व्यक्तित्व की विशेषता बताइए कि मौत से भी जो कभी नहीं डरे। मौत से कौन डरता है? मौत के आगे न हिचके, मौत सामने थी फिर भी उनके मन में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। देखिए, बुढ़ापा अपने आप में मौत का आगाज है, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। यदि व्यक्ति बूढ़ा है तो इसका मतलब क्या है कि वही उसके क्या है, मौत का आगाज है। परंतु उस उम्र के उस दौर में जब बस वो मौत से गले मिलने ही वाले थे, तब भी वो बिल्कुल डरे नहीं, हिचके नहीं, शेर के आगे न बिचके। शेर के आगे न बिचके का मतलब ये नहीं है कि इसको इस रूप में कभी भी मत लेना। शेर के आगे न बिचकने का मतलब है कि जिंदगी में मुश्किलें बहुत आई होगी, चुनौतियां बहुत आई होगी, डट के खड़े रहे, किसी से डरे नहीं, हर चुनौती का सामना किया, चाहे चुनौती पहाड़ जैसी क्यों नहीं हो, चाहे चुनौती शेर जैसी कि शेर सामने आता है तो डर लगता है, या शेर का मतलब उन चुनौतियों से, उससे भी कभी ना बिचके। बोल में बादल गरजता,
बोल में बादल गरजता। बोल में बादल गरजता क्या कह रहा है कभी देखिए। बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल रचता। अर्थात कि बोलते थे तो ऐसे लगता था कि जैसे बादल गरज रहे हो। अब बादल बोलने में तो बादल गरजते नहीं, मतलब ये कि बादलों की गरजने की गूंज बहुत दूर तक जाती है और पूरी दुनिया सुनती है बादलों की गरजने की आवाज को। तो इन्होंने बताया कि जो बाबूजी थे, उसके पिताजी थे, उनकी आवाज में वो दम था कि उनकी आवाज बहुत दूर तक सुनी जाती थी। दूर तक का मतलब दूर वाले लोग सुने ऐसे नहीं, उनकी आवाज की जो धमक होती थी, आवाज का जो प्रभाव होता था बहुत सारे लोगों पे पड़ता था। काम में जंजाल रचता अर्थात कि जो वो काम करते थे तो यूं लगता था कि जैसे तूफान खड़ा हो गया हो। अर्थात कि जो बाबूजी थे वो इतने मेहनती थे। तो ये देखो, ये इस पे क्वेश्चन पूछेगा कि जो कवि के पिताजी के व्यक्तित्व की विशेषता बताइए। तो ये पूरा पहला ये पद्यांश और ये पद्यांश क्या है, उनकी व्यक्तित्व की विशेषता है। उनमें कल कैसे कि जैसे कि बूढ़े होने के बावजूद भी कभी बूढ़ापा नहीं, हमेशा खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, फिर कि निर्भीक थे, मौत से कभी भी नहीं हिचके थे और कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने वाले थे। ये पूरा आप क्या कर सकते हो, उसके व्यक्तित्व की विशेषता में लिख सकते हो। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके क्या कह रहा है देखो, ये भी उनके करैक्टर की विशेषता है। अर्थात की गीता पाठ करके करने का मतलब क्या होता है, धार्मिक प्रवृत्ति कहते हैं। आज के बूढ़े लोग तो गीता पाठ नहीं करते, टीवी पार्टी करते हैं, पर एक जमाना वो भी था जब हर घर में रामायण की चौपाई हर शाम को पढ़ी जाती थी, पूरा परिवार इकट्ठा होता था। रामायण है, गीता है, महाभारत को छोड़कर बाकी सभी किताबें हर घर में पढ़ी जाती थी, मतलब जैसे कि स्वाध्याय कहते थे। आज वो दौर चला गया, बुजुर्ग होते तो वो गीता पाठ करते थे, जो बहुत ही मौत के निकट है तो वो गीता पाठ करते थे। तो यहाँ पर आज गीता पाठ करके, गीता पाठ करने का मतलब ये कि जो पिताजी थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। साथ ही साथ दंड 260 करके, दंड बैठक लगाते हैं 260, क्या है कि पाठ और इसको जोड़ने के लिए 260 ही, तुम कहोगे 258 क्यों नहीं लिखा, वो तुकबंदी मिलाने के लिए। मतलब ये कि देखिए इसका भावार्थ क्या है, धर्म और कर्म दोनों को उन्होंने अपने जीवन रूपी रथ के पहिए बनाए थे। जीवन रूपी रथ के दो पहिए होते हैं, धर्म और कर्म। दोनों पहिए धर्म के भी नहीं हो सकते, दोनों पहिए कर्म के भी नहीं हो सकते। जो दोनों पहिए धर्म के हो गए तो इसका मतलब व्यक्ति है कि वो नाकारा हो जाता है, वो दूसरों पे जीने वाला बन जाता है, ठाला बुला बिल्कुल। सिर्फ कर्म पे के दोनों पहिए हो जाए तो वो व्यक्ति भौतिकवादी हो जाता है, सिर्फ पैसों से मतलब होता है। पर एक पहिया धर्म का हो, दूसरा पहिया कर्म का हो, तो जीवन की जो गाड़ी है वो रफ्तार से एक बैलेंस बना के चलती रहती है। तो आज गीता पाठ करके क्या करते, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, अर्थात कि धार्मिक थे, धर्म धार्मिक प्रवृत्ति के तो वो थे, परंतु उसके साथ साथ उन्होंने कर्म नहीं छोड़ा। यहाँ व्यायाम से कोई खास मतलब नहीं है, मतलब ये कि एक्टिवनेस, उनके कर्म करने की उनकी अपनी आदत। क्लियर, खूब मुगद्दर हिलाकर मूट उनकी मिला लेकर, अर्थात कि जब वो दंड बैठक करते व्यायाम करते हैं, मुगद्दर का मतलब मालूम है, जो पहलवान होते हैं इतना बड़ा लकड़ी वका वो भारी भरकर वो मुगद्दर होता है, उसे यूं यूं करके व्यायाम करते हैं। अर्थात कि धर्म के साथ साथ उन्होंने अपने कर्म को भी बहुत ही प्राथमिकता दी थी, यानी कि उम्र के उस अंतिम पड़ाव पर, अंतिम क्षण पर, जब उसके बाद तो सिर्फ आपका बारात निकलने वाली है चार कंधों पे सवार होकर, तब भी यदि वो सब कुछ कर लेते हैं तो उसे कहते हैं कि उस व्यक्ति की अदम्य जिजीविषा, जीने की अद्भुत ललक। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, क्या कह रहा है कभी कि जब बारिश बरसती होगी और पिताजी घर से नीचे आए होंगे और जब वो जेल जाना होगा, उस चीजों को याद करके नैन जल से छाए होंगे, अर्थात कि उनकी आंखों में क्या होंगे, आंसू जरूर होंगे। आगे कह रहा है
हाय पानी गिर रहा है गर नजर में तीर रहा है। कवि कह रहा है कि जोरों से बारिश होती जा रही है और उसका जो घर है जिसे वो छोड़ के आ गया है और कारावास में सजा काट रहा है वो उसकी नजरों में क्या हो रहा है गिर रहा है। चार भाई चार बहिने बुझा भाई प्यार बहिने खेलते या खड़े होंगे नजर उनके पड़े होंगे। अर्थात की सब भाई बहन घर पे होंगे आज वो उनके बीच के लिए जेल में है पर उनकी निगाहों को कहीं न कहीं मेरा इंतजार आज भी होगा। उनकी निगाहें उस रास्ते पे गड़ी होगी इस उम्मीद के साथ कि इसी रास्ते से होकर जो जेल गया था कभी तो लौट के वापस जब आएगा तो इसी रास्ते पर आएगा तो उनकी निगाह उस रास्ते पर हमेशा क्या होगी गड़ी होगी। उनके नजरों में स्नेह होगा उनके अपने खेल होंगे पर उस खेल में भी उसकी कमी उन्हें जरूर अखड़ती होगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। पिताजी जो उम्र से बूढ़े भले हो गए पर वो कभी बूढ़े हुए ही नहीं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। उसके कुल कितने वो चार उसके और भाई थे उसके सहित कितने थे पांचवा क्या कह रहे रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। अर्थात कि सब भाई सब वहीं पर होंगे चार वहीं पर होंगे पर पांचवे मतलब मुझको जब याद किया होगा तो मुझे याद करके उनकी आंखों में जरूर आंसू आ गए होंगे। यहाँ पर कवि के मनोभावों को आप समझिए। कवि के मनोभाव ये कि वो उसके कारावास से दुखी नहीं वो उसके जेल जाने से दुखी नहीं वो दुखी किस बात से है क्योंकि उसके इस दुख की वजह से उनके घर वालों की आंखों में आंसू होंगे। आज उन्हें सब कुछ वहां भोगना पड़ रहा होगा क्योंकि एक वनवास तो उस जेल के अंदर कवि भोग रहा है एक वनवास अपने अपने घरों में उसके परिजन भी भोग रहे होंगे उसे याद करके। पांचवा मैं हूं अभागा जिसे सोने पे सुहागा और पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे। समझिए पांचवा मैं हूं अभागा। कवि कह रहा है कि पांच भाई हैं उसमें पांचवा मैं हूं सबसे छोटा भाई था ये। पिताजी की पांच संतानें थी चार तो घर में थी और पांचवा कहां चला गया था जेल में। पांचवा मैं हूं अभागा अपने आप को अभागा कह रहा है कवि। क्यों अभागा नहीं होता तो उसे अपने घर से दूर हूं इस प्रकार से कहीं जाने का मौका नहीं मिलता। आगे देखिए पांचवा मैं हूं अभागा जिसे सोने पे सुहागा और पिताजी उसे क्या कहते थे सोने पे सुहागा। अर्थात की पांच भाइयों में से चूंकि सबसे छोटा था लाडला था इसलिए सबसे ज्यादा उनका पसंदीदा था फेवरेट था इसलिए सोने पे सुहागा कहते थे। पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे अर्थात की पिताजी मुझे सोने पे सुहागा कहते थे। चार भाई पहले भी थे पर पांचवा मैं था तो मुझे उन सबसे ज्यादा प्यार मिला और पिताजी उसके प्यार में हमेशा बहते रहे हैं अर्थात की उन्होंने उतना उसका कवि का ध्यान रखा था। आज उनके स्वर्ग बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे अर्थात की जो बेटे उन्हें स्वर्ग का एहसास कराते होंगे वो आज लगे होंगे उन्हें हेटे आज वो उनकी नजर में नफरत के पात्र होंगे क्योंकि जब पांचों थे पांच पांडव ये थे तब एक स्वर्ग था चार है तो स्वर्ग तो तब भी होगा पर उस एक के नहीं होने की वजह से उनके मन में पिताजी के मन में जो स्वर्ग था कभी एक प्रकार से वो भी उन्हें तिरस्कार का पात्र लग रहा होगा क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंदा बेटा हूं अभागा। क्यों जो स्वर्ग था घर आज मैं जो अभागा हूँ जो सोने पे सुहागा है अर्थात कि जो मैं सबका लाडला था आज क्या बनकर बैठा हूँ आज जेल में जेल की बंद कोठियों में मैं अभागा बनकर बैठा हूँ। क्लियर। अब देखिए मुझे इसका होमवर्क देना है पर मैं अब होमवर्क यहाँ लिखूंगा नहीं। कारण क्या है या तो आप लोग मुझे मूर्ख समझते हो पर मैं इतना हूं नहीं। इतनी मेहनत करता हूँ दिन में 10-12 घंटे करके वीडियो अपलोड वगैरह करता हूँ
और मैं फोटो खींच के यदि आपको होमवर्क दे दूं तो आप ऐसे कर दोगे, अब मैं करूंगा कि इसमें होमवर्क कहीं पर भी वीडियो के बीच में जोड़ूंगा। अर्थात कि आपको उस होमवर्क को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस वीडियो को खोल के आपको देखना ही पड़ेगा, बाकी आपके पास कोई चारा नहीं। और होमवर्क नहीं किया तो लट मारने का काम बाकी मैं कर लूंगा, आपको वीडियो देखना ही होगा। आप क्या इसका क्या होमवर्क होगा, कौन से क्वेश्चन आंसर होंगे, उसका दो मिनट का वीडियो इसी वीडियो के अंदर आपको अलग से मिल जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए।